वनडे वर्ल्ड कप का रोमांच बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, वनडे वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने एक बड़ी अपडेट दे दी है। दरअसल आईसीसी ने बड़ी पहल करते हुए और छोटे देशों को इस बड़े इवेंट से जोड़ने के लिए फैसला किया है कि अब वनडे वर्ल्ड कप में 10 की जगह 14 टीमों के बीच मुकाबला होगा, जिससे जाहिर है कि रोमांच डबल हो जाएगा। लेकिन ये बदलाव 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से ही होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। वनडे वर्ल्ड कप का रोमांच अब बढ़ने जा रहा है। आईसीसी ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में 10 की जगह 14 टीमें उतरेंगी। इसमें टॉप 10 टीमें रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करेंगी, जबकि 4 अन्य टीमें क्वालिफायर के आधार पर टूर्नामेंट में प्रवेश पा सकेंगी। 2023 में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीमों को ही मौका मिला है, लेकिन इसके लिए वनडे सुपर लीग खेली जा रही है। छोटे देशों को बड़े इवेंट से जोड़ने के लिए आईसीसी ने ये फैसला किया है। वनडे वर्ल्ड कप में बदलाव। आईसीसी बोर्ड ने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के बदलाव को मंजूरी दे दी है। 2023 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने 13 टीमों के बीच सुपर लीग की शुरुआत की है। इसमें 12 पूर्ण सदस्यों के अलावा नीदरलैंड को मौका दिया गया है। हर टीम को 8 सीरीज खेलनी है, 4 घर में और 4 विदेश में। लेकिन अब ये नियम 2027 में टीमों की संख्या बढ़ने के साथ ही खत्म कर दिया गया है। पिछले दिनों आईसीसी ने 2024 से 2031 तक के बीच का होने वाले आईसीसी इवेंट का स्केड्यूल जारी किया है। आईसीसी ने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका को संयुक्त रूप से दे दी है। नामीबिया जैसे एसोसिएट देश को जोड़ने का मतलब है कि छोटे देश के फैंस भी बड़े टूर्नामेंट को सामने से देख सकें। इतना ही नहीं, पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE के अलावा ओमान में भी कराया गया था। वैसे 2023 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है। BCCI को इसके अलावा 3 अन्य बड़े इवेंट्स की भी जिम्मेदारी मिली है। इसमें 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। आपको बता दें कि 2017 से ICC चैंपियंस ट्रॉफी बंद कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद 2025 से इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। बहरहाल, जिस तरह से क्रिकेट के फैंस पूरी दुनिया में हैं, इसी तरह ही क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी इसे तमाम फैंस तक पहुंचाने की कोशिश में कई अहम कदम उठा रहा है। उसमें से एक कदम ये भी है जिसे क्रिकेट की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलेगी।